साइन पहले आ जाए, मेरा उसके बाद आ जाए। साइन सर अपने बारे में पहले तो बताएं, अपना इंट्रोडक्शन, क्या करते रहे आप, क्या मसरूफियात हैं आपकी, और उसके बाद फिर जरा बताएं कि क्या बता रहे हैं। क्या क्या चीजें लगती होंगी। उसके बाद फिर मेरे दोस्त साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बताया कि यार ये गेम, इसके लिए बहुत भूख की कहानी है, पहले इसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट के बेसिक आना जरूरी होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने YouTube पे सर बॉस का एक कोर्स पढ़ा हुआ है, उसके मैंने YouTube पे वीडियोस देखना शुरू करी, और फिर वो बहुत कोर्स बहुत अच्छा कोर्स था, और मैंने YouTube से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सलाटी साहब आने से पहले सीखने की कोशिश करी। लेकिन फिर जो कुछ क्वेरीज होती है ना, मैं YouTube से सब चीज़ें सीख लूँगा, लेकिन क्वेरीज YouTube पे रिजॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए मैंने सलाटी में अप्लाई करा, सलाटी में मैंने अप्लाई करा, तो इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में ना मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह ये थी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग और सलाटी की टाइमिंग कोलाइड कर रही थी। तो मेरी सर उन्हें से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप एक चीज़ चूज कर लो, तो मैंने यूनिवर्सिटी को प्रेफर करा। लेकिन फिर मैंने जब दो तीन महीने बाद मैं वापस आया, मैंने बोला सर मुझे कोई और दूसरी टाइमिंग दे दें, तो सर ने बोला मैं हमारी सर इंतजाम की क्लास रात में होती है 9 to 11, उसमें हम लोग 5 उसमें आप आ सकते हो। तो मैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री सलाटी में मैंने एंटर करा। मेरी एम बी एस टी एम एस की बेसिक नॉलेज थी, जावास्क्रिप्ट में सर इंतजाम से पढ़ी, और फिर सर इंतजाम ने हमें टास्क दे देते जो बहुत रियल टाइम होते थे, जो मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई भी हुआ करते थे। तो मैंने ये वेदर ऐप बनाई है जो जिससे डाटा आ रहा है API के जरिए। तो इसमें पहले ही देखें, ये पहले आपसे लोकेशन मांगेगा, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन डिनाइड। उसके बाद अगर आपने डिनाइड सही, उसके बाद फिर आपको इसको अलाउ वापस करना पड़ेगा, रिलोड पे नहीं हो गए। अब ये फिर से आपसे पूछता है कि आप लोकेशन अलाउ करेंगे नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया तो फिर आपको जो करंट लोकेशन है जहाँ पे आप मौजूद हैं, जहाँ दुनिया में आप कहीं भी आप अगर ऐप चलाएंगे, जब उसकी लोकेशन मौजूद होगी, उसकी लोकेशन गेट करके वो आपको उसका वेदर आके दिखा देगा। लेकिन मैंने एक और ऑप्शन दिया हुआ इसमें कि अगर आपको किसी और जगह का वेदर मालूम करना हो, तो उसके लिए आपको सर्च भी कर सकते हैं, और ये फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है तमाम डिवाइसेस पर। ये तमाम वेबसाइट पर ये रिस्पॉन्सिव डिवाइस है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और इसमें मैंने बैकग्राउंड में पार्टिकल यूआई वो करा हुआ है, यूज़ करा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपको एनिमेशन दिख रही होगी। और ये एक डार्क मोड लाइट मोड का भी बटन है। अच्छी लगती है। थैंक यू, ये बस ये प्रेजेंटेशन थी। अब